आज जी बहुत ही मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी तैयार की है, शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, कितनी ज़बरदस्त है। ये किस तरह तैयार किया है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आइए चलते हैं तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुश और खुर्रम होंगे। ये प्यारी सी सब्ज़ी, ये ग्रीन ग्रीन हरी हरी सी सब्ज़ी जो है वो है शिमला मिर्च, जो हमने आधा किलो लेकर अच्छी तरह धोई और उसके बाद इसको बीज समेत मैंने काट लिया है, क्योंकि मुझे बीज के साथ अच्छी लगती है। ये देखें, ठीक है, मैंने बीज नहीं निकाले, मैंने इसको बीज के साथ ही काटा है। इस तरह इस तरीके से काट लिया है मैंने बारीक बारीक लेयर्स में। और हम इसके लिए जो हमें चीज़ें दरकार होंगी वो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। हमने चार खाने के चम्मच जो है वो घी ले लिया है, और घी जो है वो गर्म हो रहा है, घी गर्म हो गया है। शामिल करते हैं 2 अदद कटी हुई प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसको हल्का सा फ्राई करते हैं। 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट जो है वो प्याज हमने चला ली है, और ये हमने मुकम्मल ब्राउन नहीं करनी है, बस इस तरह ये हो गई है प्याज। और अब हम शामिल करते हैं 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 से 2 मिनट इसको भी फ्राई करते हैं। तकरीबन 2 मिनट हमने लहसुन को चला लिया है, और अब हम शामिल करते हैं ये वाले बड़े वाले 2 टेबलस्पून जो हैं खाने के चम्मच, खाना डालने वाले चम्मच भर के दही, ठीक है जी। और इसको हम थोड़ा सा मज़ीद चला लेते हैं। 1 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस, और मैं आपको बता देती हूँ कि स्पाइसेस कौन कौन से हैं हमारे पास। 1 चाय का चम्मच हमने नमक लिया है, हसब जायका आप नमक लें। 2-3 चुटकियाँ कलौंजी की ले ली हैं, 2-3 चुटकियाँ जो हैं वो साबुत जीरा है। 1/2 चाय की चम्मच मिर्च पाउडर है, 1/2 चाय की चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है सूखा धनिया पिसा हुआ, 1/2 चाय की चम्मच हल्दी पाउडर है, और 1 खाने का चम्मच जो है वो मैंने अदरक मिर्च ले ली है। और 1 मिनट से ज़्यादा ही हो गया है, और हम इसमें शामिल करते हैं स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी, भुनाई करते हैं 2-3 मिनट तक। थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं इसमें। 3 से 4 मिनट मसाला जो है वो हमने भून लिया है, और अब हम 2 अदद कटे हुए हमारे पास आलू हैं, ये हम शामिल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको भी 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा लगाते जाएँ और भूनते जाएँ। और इसके अलावा मैंने इसमें दही शामिल किया है, आप चाहें तो टमाटर शामिल कर सकते हैं। 4 मिनट हमें इसको चलाते हुए हो गए हैं आलूओं को, और बहुत अच्छा सा मसाला भी भुन गया है। देखें ऑयल सूख गया है इसका, ये देख सकते हैं आप। और अब हम यहाँ पर शामिल करते हैं शिमला मिर्चें, 1/2 किलो शिमला मिर्चें कटी हुई हैं हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसको मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से, मिक्स करने के बाद हमने इसको ढक दिया है और फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दिया है। 10 मिनट बाद हम इसको खोल कर देखते हैं, तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। और हमने 10 मिनट बाद इसे चेक कर लिया था, हिलाकर हमने इसको दोबारा से बंद कर दिया था। अब तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, अब हम 1/2 चाय का चम्मच जो है गर्म मसाला पिसा हुआ इसको छिड़क के, और मज़ीद जो है वो 2 मिनट के लिए दम पर रखते हैं। और ये एक बात और आपको बता दूं कि इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया, ये इसका अपना पानी है शिमला मिर्चों का, जिसमें शिमला मिर्चें गल गई हैं मुकम्मल तौर पे बहुत अच्छे तरीके से। तकरीबन 20 मिनट लगे हैं हल्की आंच पर, बहुत ही लो फ्लेम था। और अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो चुकी है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है।
और अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और इसी के साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।